हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुबह मोल। मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन की वजह से मुझे ये वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड करना पड़ा, यानी कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रेफरेंस दी, उसके बाद मैंने और टॉपिक पहले छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमारे साथ जो भी है आजकल की जो पॉल्यूशन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारी दिनचर्या है, जिसकी वजह से जिनको रिंकल्स आने की एज नहीं भी है, जिनको अभी झुर्रियाँ पड़ने की एज नहीं है, उनको भी झुर्रियों की प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज ऑफ हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, हम उतना प्रॉपर वे में पानी नहीं पीते हैं, या फिर हम धूप में जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न कि लोग अब टाइम से पहले एंटी एजिंग क्रीम लगाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। वो सोचते हैं कि अभी से अगर हम एंटी एजिंग क्रीम लगाएंगे तो हमारे रिंकल्स नहीं पड़ेंगे या फिर हम एजिंग से बच जाएंगे। फ्रेंड, जब आपको एजिंग आनी होगी वो अकॉर्डिंग आएगी, आपके लगाने ना लगाने से कुछ भी ऐसा नहीं है। जब आपकी एज आएगी आपको रिंकल पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। बात यह है कि आप किस तरह की रेमेडी लगाते हो, क्या अपनी स्किन पे ऐसा लगाते हो कि वो टाइम के अकॉर्डिंग आए या टाइम से पहले आए, ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ लगा रहे हो। अगर आप टाइम से पहले एजिंग क्रीम लगाना स्टार्ट करोगे, वो जो फुल ऑफ केमिकल्स हैं अगर उनको आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तो एजिंग जो आपको लेट में 5 साल बाद आने वाली हो वो आपको 5 साल पहले आ जाएगी। तो आज मैं बहुत ही नेचुरल उपाय लेके आई हूँ कि किस तरह से अगर आप डेली उसे 2 महीने तक स्टार्ट करें लगाएंगे, तो जिनको एजिंग नहीं है और वो एजिंग की एज पे पहुँचने वाले हैं उनकी वो एजिंग 5 साल बाद आएगी, और जिनको ऑलरेडी एजिंग हो गई है वो भी एजिंग कहीं ना कहीं 90% जरूर जाएगी। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ऑनेस्ट उससे 2 महीने तक रेगुलर कुछ नहीं, 5 मिनट का उपाय है, सुबह नहाने से पहले लगाइए, या फिर जो लोग सुबह जल्दी नहाते हैं वो इसे दोपहर में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि नहाने से पहले। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सके। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आधा टमाटर लेना है, जिसे टमाटो भी कहते हैं, और आपको इसमें शहद में डिप करना है, क्योंकि टमाटर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है। शहद स्किन पे टॉनिक की तरह काम करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। और मैं इसमें पिंच ऑफ टर्मरिक स्प्रेड करूँगी, और टर्मरिक मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी हटाए और आपको एक ग्लो स्किन मिले। आपको अपने स्किन पे रब करना है, एक से दो मिनट अच्छे से रब करिए, और 5 मिनट तक आपको इसे स्किन पे रखना है, यानी जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। 5 मिनट भी हो सकता है, 4 मिनट में भी ड्राई हो सकता है। इसके बाद आप नहाने चले जाइए, या फिर नॉर्मल वाटर से मुंह धो के कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिए, और ऐसा 2 महीने तक लगातार करना है, आपकी स्किन एजिंग फ्री और दाग धब्बों से रहित हो जाएगी। सच्चाई लगी हो, कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। अपनी मौसी, अपनी ताई, अपनी चाची, अपने जो लोग एजिंग की तरफ हैं, मेरा कहने का मतलब है, अपनी मदर को भी ये सुझाव जरूर दें, और जिनकी बेटियां भी अगर थोड़ा बहुत एजिंग के पास आ रही हैं तो वो माएँ जरूर अपनी बेटियों को ये सजेशन दें। और हाँ, एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बॉयज़ भी इसे पूरी तरह से लगा सकते हैं। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। 4:30 बजे तो ये वीडियो आएगा ही, 10 बजे फिर मैं आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।